हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एंड बर्ड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि मौसम्बी के पेड़ में ढेर सारे फल आप देख रहे हैं, ढेर सारे फल जो हमारे मेरे पेड़ में भी लगे हुए हैं वो मैंने कैसे पाए और कंसिस्टेंटली आपको बहुत ज़्यादा फल कैसे आपको पेड़ को मिले, आपको उस पेड़ में कौन सी खाद डालनी है और कैसी उसकी सेवा करनी है जिससे इतने ज़्यादा फल आ जाए, और जो भी पेड़ आप घर पर लगाएं चाहे पपीते का हो चाहे मौसम्बी का हो, उसमें फल कैसे ज़्यादा मात्रा में पाएं, इसी पर आज वीडियो होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चले फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं जो फलों की साइज़ जो है कितनी बड़ी बड़ी है, और जो पेड़ में जितने भी फल हैं सब एक ही साइज़ के फल हैं। जब भी आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको इस साइज़ के फल मिलेंगे। और आपके गार्डन में या बगीचे में जो भी पेड़ लगा हुआ, चाहे पपीते का हो, चाहे वो मौसम्बी का हो, चाहे वो गवावा का हो, सभी में अच्छी तरीके से फल आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है उसमें, मार्केट से कोई महंगी फर्टिलाइज़र खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि महंगी फर्टिलाइज़र करो, ये करो, वो करो, कुछ भी जरूरत नहीं है। कुछ ध्यान रखने की जरूरत है, उन्हीं के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है कि आप जहाँ पर भी आप मौसम्बी का पेड़ अपने घर पर लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उनको पानी देने की जरूरत नहीं है। मौसम्बी के पेड़ को बहुत कम पानी चाहिए रहता है, मीन्स ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर लगा भी रहे हैं तो थोड़ा ढलान हो उस जगह पर लगाएं ताकि जो पानी है वो ड्रेन हो जाए, ज़्यादा वहाँ रुके ना, ठीक है। पहला ये हो गया। आप देख रहे हैं नीचे लगा हुआ है, ज़्यादा हाइट में नहीं है, मुश्किल से 12 फीट नीचे या 10 फीट नीचे की हाइट में ये लगा हुआ है। अब मैं इस बिल्कुल इसमें पानी नहीं देता हूँ, छोड़ देता हूँ इसको। बरसात में जो पानी मिलता है मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालता हूँ इस पेड़ पे। दूसरा, आपको खाद क्या देनी है फ्रेंड्स? खाद इसमें आपको गोबर की खाद देनी है, अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। हर एक डेढ़ महीने के अंदर इसको गुड़ाई करके अच्छे से इसमें गोबर की खाद डाल के इसको अच्छे से ढक देना चाहिए। गोबर की खाद 3 साल पुरानी होनी चाहिए, थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, 3 साल या 2 साल पुरानी होनी चाहिए। ये तो हो गया दूसरा। अब इसमें तीसरा, आप सरसों की खली ले आना। सरसों की खली आपको आराम से मिल जाएगा, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता है। सरसों की खली आप लाके जब आप गोबर की खाद डालेंगे तो उसके 15 दिन बाद आप थोड़ा सा गुड़ाई करके इसे भी आप डाल के ढक दें, उसके बाद 1.5 महीना छोड़ दें, उसके बाद फिर आप डाल दें। देखना फूल भी आएंगे, बहुत सारे पेड़ में फूल आएंगे और फल भी आएंगे। इसका हार्वेस्टिंग आप देख रहे हैं, पपीते के पेड़ में भी कितने सारे फल लगे हुए हैं। तो इसको जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है फ्रेंड्स वो अक्टूबर के मंथ में होगा। तो आप इसमें करीब फरवरी मार्च में ना इसमें एक गोबर की खाद और ये है हर 1.5 महीने के आड़ में डालते जाएंगे, ठीक है। तब आपको फूल भी आएंगे और फल भी ढेर सारे लगेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे जो मौसम्बी के पेड़ हैं बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अब मैं इसको हार्वेस्ट करने वाला हूँ, आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा कितना सारा एक ही पेड़ है और कितने सारे इसमें मौसम्बी के फल टूटेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है इसका मैं ये बनाऊंगा कि घर में ही होममेड जूस बनाऊंगा, कैसे अपन कौन सा जूस बनाने वाला मशीन अपन खरीदेंगे, ठीक है। वो मशीन में ला के आपको जूस निकाल के दिखाऊंगा कितना प्योर जूस इसमें का आप घर में ही बना के पी सकते हैं, आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप भी घर में ये मौसम्बी का पेड़ लगाएं और कुछ चीज़ों को जो मैंने बताया है 3 चीज़ें उनका ध्यान रखें। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, मार्केट से महंगा फर्टिलाइज़र खाद लाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी है पेड़ उसमें आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो पानी इसमें कम देना है मौसम्बी के पेड़ में, खाद जो आपको गोबर की खाद सरसों के लिए खाद डालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको आपको कटिंग करना है, जब एक बार आप फल आप दे देगा ना आपको, तो उसके बाद आप इसको ऊपर को थोड़ा कटिंग कर दें, ठीक है। ऊपर के जो डगाल है उसको आप कट कर देंगे तो उसमें से नए डगाल निकलेंगे और नए उसमें से फल फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, इसको मैं हार्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। ये मैं घर के थोड़ा ऊपर चढ़ के इसको तोड़ रहा हूँ क्योंकि ऊपर में है फल। देखिए, मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और ढेर सारे फल आप देख रहे हैं। अभी मैंने जस्ट तोड़ के लाया है, पक गए हैं, सब पक गए हैं। मैं इसको अब इसका जूस निकालने वाला वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आपको मिले और ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो पर बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम भी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।